हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 8 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस वीडियो को पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन आता है कि फसल क्या है। तो ये तो हम जानते हैं कि 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। मनुष्य क्या करते थे? घूमते रहते थे, वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जैसे आदि मानव पहले क्या करते थे? कोई फसल नहीं करते थे, सिर्फ वो क्या करते थे? भोजन की तलाश में कहीं इस जगह पे, किसी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, इस तरीके से घूमते रहते थे। ऐसे अपना वो भरण पोषण करते थे। उसके बाद वे फल सब्जियाँ और मांस खाते थे, यही सब खाते थे वो लोग। धीरे धीरे उन्होंने फसल करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने फसल का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब ये फसल क्या होती है ये समझते हैं कि फसल क्या है। तो देखिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर और बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या करें हम अगर एक ही जगह पर, जैसे एक स्थान है और यहाँ पे क्या है, अगर हम अलग अलग प्रकार के जो पौधे पेड़ पौधे लगाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही जगह है, जगह एक ही है और वहाँ पे सिर्फ क्या है, जैसे अगर मैं पपीते का पेड़ लगा रहा हूँ, तो पूरी जगह में क्या लगाऊँ? सिर्फ पपीते का पेड़ ही लगाऊँ। किसका लगाऊँ? पपीते का पेड़ लगाऊँ। तो ये किसकी खेती हो गई? पपीते की खेती हो गई। यानी कि एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए एक ही जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फसल कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया फसल क्या होता है। अब क्या होता है फसल के लिए, उदाहरण है कुछ, जैसे गेहूं की फसल, ठीक है, धान की फसल होती है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे? गेहूं के होंगे। गेहूं की फसल का मतलब समझ में आ गया, यानी कि जो भी जगह है उसमें सभी पौधे किसके होंगे? गेहूं के होंगे। तो समझ में आ गया फसल क्या होता है। बच्चों, अब हम बात करने वाले यहाँ पे फसल के प्रकार के बारे में। अब फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल को दो भागों में बांटा गया है, और वो किसके हिसाब से बांटा गया है? मौसम के हिसाब से। अब देखिए, मौसम के हिसाब से क्या होता है कि कुछ फसलों के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कुछ फसल उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। लेकिन कुछ फसल ऐसी होती है जिनके लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है। अगर ज़्यादा पानी होगा तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, फसल का उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। तो मौसम के हिसाब से फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पे खरीफ फसल। अब खरीफ फसल क्या होती है? देखो, ये फसलें कब उगाई जाती हैं? ये वर्षा ऋतु, यानी जब बारिश होती है तब उगाई जाती हैं, यानी कि जून और जुलाई के महीने में इनको बोया जाता है। तो इन फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल का मतलब समझ में आ गया। खरीफ फसलों को कब बोया जाता है? तो जून और जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। जैसे कि धान, बाजरा, मक्का और तिली। तो वर्षा ऋतु में, यानी कि जिन फसलों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये है खरीफ फसल। और ये फसलें कब पक के तैयार हो जाती हैं? तो ये फसलें सितंबर से लेकर अक्टूबर माह के बीच में पक कर क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। आराम से आप इनको क्या कर सकते हो? काट सकते हो। खरीफ फसल समझ में आ गई। इसके बाद बात करेंगे हम, दूसरी फसल है वो है रबी फसल। जैसे खरीफ फसल जो है कट जाती है, उसके बाद जो नया नंबर आता है वो आता है रबी फसल का। ये फसलें कब बोई जाती हैं? शरद ऋतु में बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं, ठीक है। तो सर्दियों में जो फसलें बोई जाती हैं उनको रबी फसल बोलते हैं, और वर्षा ऋतु में बारिश में जो फसलें बोई जाती हैं उनको खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है। तो वे फसलें जिन्हें शरद ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है, कौन सी फसल कहलाती हैं? रबी फसल कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ, चना, सरसों, सोयाबीन, ये सभी कौन सी फसलों के उदाहरण हैं? रबी फसलों के उदाहरण हैं। तो समझ में आ गया बच्चों क्या होता है रबी फसल और क्या हो रहा है, क्या होता है खरीफ फसल। और रबी फसल जो है वो कब पक कर तैयार हो जाती है? तो वो मार्च महीने में पक के तैयार हो जाती है। क्लियर। तो ये है फसलों के प्रकार। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फसल उगाने की क्या क्या प्रक्रिया है। फसल उगाने की प्रक्रिया क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ता है हमको कोई फसल उगाना है तो। तो देखिए, फसल उगाने के लिए किसान जो है वो किसान को निम्न क्रिया करनी पड़ती है, ये सभी काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या है, ये आपको सीक्वेंस आपको याद बहुत रखना जरूरी है। सबसे पहला काम है मिट्टी तैयार करना है। किसान पहले क्या करता है, फसल नहीं उगाता डायरेक्ट, पहले क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को फसल करने योग्य बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद बुआई करता है।
बोता है बीजों को, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद खाद और उर्वरक देता है, खाद देता है उसमें, ठीक है। उसके बाद सिंचाई करता है, यानी कि उस खेत फसल में क्या करता है, पानी देता है, और लास्ट में क्या करता है, इसके बाद खरपतवार से उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। और फिर जब वो फसल पक जाती है तो फिर उसकी कटाई करता है, और कटाई करने के बाद उसका भंडारण करता है, यानी उसको सुरक्षित जगह पर रखता है। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में हम वन बाई वन बात करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें मिट्टी तैयार करना, पहला काम क्या है, मिट्टी तैयार। अब मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण है। जब भी हमको कोई फसल उगानी है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट फसल बो दी तो फसल होगी नहीं, होगी तो बहुत ही कम होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत मिट्टी को पलटा जाता है, मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटा जाता है, जिसे हम जुताई बोलते हैं। जुताई की जाती है कि नहीं, अगर आप किसान हो तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, फसल को क्या की जाती है, जुताई की जाती है, जिसके कारण मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है। इसके कारण मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली, पोली का मतलब है उसमें क्या है, थोड़ी सी गैप आ जाता है, और जब गैप आ जाता है तो क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन आराम से जा सकती है। देखो, अगर जुताई नहीं होगी तो मिट्टी पोली नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है, वहाँ पे जो अंदर मिट्टी के अंदर कीट पतंगे हैं, कीटनाशक जो हैं, कीटाणु हैं, तो उनको कुछ ऐसे जीव है उनको क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत मिलती है। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या होता है, ये देखते हैं। देखो, पोली मिट्टी में जड़ें अधिक गहराई तक जा सकती हैं, ठीक है। पोली मिट्टी के कारण जल और वायु आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच सकता है, इसीलिए मिट्टी को पोला करना ज़रूरी है, यानी उसकी जुताई करना ज़रूरी है। क्लियर हो गया। पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मिट्टी पोली होती है तो क्या है, उसके अंदर, अब देखो, जटिल मिट्टी होगी, मान के चलो जो मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, अगर ये जटिल मिट्टी हुई तो इस क्या इसमें कीटनाशक, क्या कोई जीव अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता ना। लेकिन अगर ये मिट्टी कैसी हो, पोली हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जुती हुई मिट्टी हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कण अंदर वैसे भुरभुरे होते हैं, तो कोई भी जीव अंदर चला जाएगा, उसमें कुछ जो भी क्रिया होगी वो करेगा, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए कई जीव बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, वो जीव ही फसल उत्पादन में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो समझ में आ गया क्या होता है मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जुताई, ठीक है। अब इसमें मिट्टी में क्या है, पोली करने के बाद क्या होता है, जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने के लिए की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है, ठीक है। मिट्टी को पलटने और उलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। अब देखो, मिट्टी को तैयार करने में प्रयुक्त औजार, यानी मिट्टी को तैयार जब करते हैं, जुताई करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या औजार किसान यूज़ करते हैं, वो तो सबसे पहला यूज़ करते हैं हल। आप जानते होंगे पिक्चर में जो हल आपको दिख रहा है, इसको हल बोलते हैं, ठीक है। हल की सहायता से जुताई, खरपतवार को निकालना और मिट्टी खरोंचना आदि का कार्य किया जाता है। ये जो आपको चित्र में जो दिख रहा है हल, इसे क्या किया जाता है, जुताई की जाती है, खरपतवार को हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और मिट्टी को क्या कर सकते हैं, खरोंच सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, कुदाली। कुदाली क्या होता है, तो देखो यह एक सरल औजार होता है, इससे भी क्या है, जुताई होती है और खरपतवार, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है, कुदाली भी जुताई के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद तीसरा आता है कल्टीवेटर। देखो, ये जो दोनों हैं ये प्राचीन है, ठीक है, और ये जो कल्टीवेटर जो आया है ये भी कैसा है, बिल्कुल हल ही है, एक हल है, लेकिन ये कैसा, आधुनिक है, ये ट्रैक्टर की सहायता से चलता है। तो क्या है, कल्टीवेटर खेत की जुताई, कल्टीवेटर से क्या की जाती है, खेत की जुताई की जाती है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलता है, किससे चलता है, ये ट्रैक्टर से चलता है। कल्टीवेटर से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब कल्टीवेटर क्या होता है, देखो, जो कुदाली और हल है वो बैलों की सहायता से चलते हैं, और ये बहुत धीरे धीरे काम होता है, इससे समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन कल्टीवेटर जो है वो किससे चलता है, ट्रैक्टर से चलता है। अब ट्रैक्टर में लग के इसको चलाते हैं तो सिंपल सी बात है, मशीन से होना हो रहा है ये काम, तो ये क्या है, जितनी देर में ये, मान के चलो एक घंटे में ये एक बीघा को जोतेगा, तो ये कल्टीवेटर से हम एक घंटे के अंदर क्या है, 3 या 4 बीघा को जोत सकते हैं। तो इसमें क्या है, समय बहुत कम लगता है और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि सब काम किससे होता है, मशीन से होता है। तो ये तीन है जुताई के लिए,
उपयुक्त औजार। अगर क्वेश्चन आए कि जुताई के लिए कौन कौन से औजार उपयोग किए जाते हैं, या फिर मिट्टी को पोला करने के लिए, या फिर मिट्टी को तैयार करने के लिए कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ठीक है, ये हो गया। अब जुताई के बाद हम बात करते हैं बुआई की। क्या होता है बुआई? तो देखिए, बुआई का मतलब होता है बीजों को डालने की विधि, यानी बीजों को डालने के तरीका को हम क्या बोलेंगे? जब हम मिट्टी के अंदर बीजों को डालते हैं, ठीक है, दबाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुआई बोलते हैं। तो क्या है यह? खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली बीजों का चयन किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम कोई भी बीज यहाँ पे क्या है उपयोग में ले लें। अच्छी क्वालिटी के बीजों को हम क्या करते हैं इसमें उपयोग करते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। ठीक है, हमको ऐसे बीज बुआई के अंदर हमको ऐसे बीज डालने होते हैं जो बीज क्या करें अच्छे से अच्छी उपज दें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बीज ला के उसमें डाल दें, तो इससे भी जो आपका जो उत्पादन जो आप चाहते हो उतना उत्पादन नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप बुआई करो तो आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का बीज उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आता है बुआई करने का तरीका क्या है। तो देखो, बुआई करने के लिए परंपरागत औजारों को उपयोग में लाते हैं। परंपरागत औजार कौन कौन से? ठीक है, यह कीप के आकार का होता है, इसमें होकर बीज दो तीन नुकीले सिरों वाले पाइप से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इस तरीके का औजार होता है जो आपको पिक में दिख रहा है, इस तरीके का औजार होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बुआई की जाती है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुआई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल से हो रही है। आजकल जो बुआई हो रही है वो किससे हो रही है? सीड ड्रिल से हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है।